एक और जहां इस वैलेंटाइंस वीक पर रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा सोसाइटी एक्टिविटी पर विवाहित कपल्स के लिए मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन कर रिश्तों में और भी मिठास घोलने का कार्य किया जा रहा है, वहीं महिलाओं को खुद से भी उतना ही प्यार कर खुद को मजबूत बनाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने का कार्य भी रोकड़े ज्वेलर्स की इस वैलेंटाइंस एक्टिविटी प्रोग्राम में किया गया। रविवार को वैलेंटाइंस वीक एक्टिविटी प्रोग्राम के तहत रोकड़े ज्वेलर्स की लक्ष्मीनगर शाखा में पंख एक पहचान महिला ग्रुप के सहयोग से महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम रखा गया, जहां महिलाओं के लिए खेल, म्यूजिक, हाउसी व अन्य मनोरंजक एक्टिविटी रखी गई, जिसमें महिलाओं ने उत्साह के साथ बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मोटिवेशनल स्पीकर किरण मुंडला उपस्थित रहीं, जिन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए उन्हें प्रोत्साहित कर खुद से प्यार करने और खुद को और भी मजबूत बनाने का संदेश दिया। इस अवसर पर महिलाओं ने भी किरण मुंडला के साथ अपने अनुभव साझा करते हुए इस विषय पर चर्चा कर अधिक जानकारी ली। आज हमारे आयोजन सेल्फ लव, इसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि अपनी इनोवेटिव कोशिश के लिए, अपनी अनोखी योजनाओं के लिए रोकड़े ज्वेलर्स ज्वेलरी में बहुत ही प्रसिद्ध हैं, साथ ही अपने इवेंट्स और एक्टिविटी सेगमेंट में अनेक योजनाओं को लेकर भी बहुत ही इनोवेटिव कार्यक्रम के लिए हमारी महिलाओं के बीच एक खास अपनी पहचान बना चुका है। और इसी पहचान को बरकरार रखते हुए हमने आज वैलेंटाइन वीक के अवसर पर हमारी स्पेशली महिलाओं के लिए, जो कि अपने घर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, रीढ़ की हड्डी होती है, उन्हें सेल्फ लव इस टॉपिक पर एक मोटिवेशनल प्रोग्राम के लिए यहाँ पर आमंत्रित किया है। और मेरे साथ पंख एक पहचान ग्रुप की अध्यक्षा टीना जी, उन्होंने अपने पूरे ग्रुप को यहाँ इन्वाइट किया है। हमारी सारी कस्टमर्स, हमारी सखियाँ यहाँ पर एकत्रित हुई है और इस धमाकेदार आयोजन को करने के लिए हमने हाउसी गेम्स, कुछ प्राइजेस, सरप्राइज गिफ्ट्स, और श्रीमती किरण मुंदड़ा जी, जो कि आज के हमारे इस टॉपिक सेल्फ लव पर उन्हें मोटिवेट करने वाली है, उनके साथ इंटरेक्ट होने वाली है, क्योंकि सेशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा। हमारी इस नई योजना को ऊंची एक उड़ान मिली है। हमारी इस एक कोशिश को आप सभी के रिस्पांस से, आप सभी के सहयोग से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। और हम इस सीरीज़ को, सेल्फ लव सीरीज़ को, जो कि हमने ये आज से शुरू की है, इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि शहर में और हर जगह वैलेंटाइन वीक चल रहा है, हर कोई एक दूसरे को गुलाब देना चाह रहा है, हर कोई एक दूसरे को चॉकलेट देना चाह रहे हैं, टेडी देना चाहते हैं, लेकिन रोकड़े ज्वेलर्स ने इतना सुंदर एक कार्यक्रम किया है कि खुद से प्यार करो, सेल्फ लव। ये सेल्फ लव की जो थीम है, जो रोकड़े ज्वेलर्स ने रखी है, ये बहुत ही अनोखी है और इस थीम से सभी महिलाओं ने इसे हाथों हाथ लिया है। और आज उनके चहकते और महकते चेहरे ये बता रहे हैं कि आज वो लोग कितने खुश हैं, क्योंकि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे तब तक हम दूसरों से कैसे प्यार कर पाएंगे। इसीलिए खुद से प्यार करना सबसे पहली ज़रूरत है और इस वैलेंटाइन पर हम सभी को रोकड़े ज्वेलर्स के थ्रू ये संदेश देना चाहते हैं कि सबसे पहले खुद से प्यार करें और सबको खुश रखें, खुद भी खुश रहें। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी रोकड़े ज्वेलर्स को, और साथ में ये भी बोलना चाहूँगी कि हमारी जो सोच है, पंख की सोच, इसी तरीके की है कि महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। जैसे कि देखा जाता है कि जो महिलाएं हैं, भले वो जॉब करें चाहे वो बिज़नेस करें, वो सबसे पहले प्रायोरिटी देती हैं अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने बिज़नेस को, अपने जॉब को, फिर बहुत देर बाद महिलाएं अपने बारे में सोचती हैं। तो आज का जो दिन है सेल्फ लव के ऊपर हम लोगों ने डेडिकेट किया है, महिलाएं खुद को पैम्पर कर रही हैं। आज जो यहाँ पे महिलाएं एकत्रित हुई हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही हैं, गेम्स खेल रही हैं, अच्छे अच्छे परिधान में अच्छे से तैयार होकर आई हैं, वो बस खुद के लिए आई हैं, खुद को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही हैं, खुद को सेलिब्रेट कर रही हैं। तो मैं एक बार फिर मैं आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगी, मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहूँगी, साथ में शुभांगी जी रोकड़े ज्वेलर्स और किरण जी का भी धन्यवाद देना चाहूँगी, जो आज इस कार्यक्रम को इतना भव्य बना दिया है और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्वेता चौरसिया है। आज मैं यहाँ रोकड़े ज्वेलर्स में पंख जो एक दैनिक भास्कर का एक ग्रुप है जो टीना प्रतीक्षा रोहित चौरसिया ने शुरुआत की है उसके अंतर्गत मैं यहाँ शामिल होने के लिए आई हूँ और मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ हमें अपने बारे में कुछ बोलने की, करने की, अपने लाइफ जीने के लिए एक बहुत अच्छा मौका मिला है। सभी से जुड़ने का एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। वो पंख नाम जो है वो बहुत सही दिया गया है। जो हम पंख लगा के इस पूरी दुनिया को जीत सकते हैं, सभी का ख्याल रख सकते हैं, तो अपना क्यों नहीं रख सकते हैं। इसलिए हमें पहले खुद का ध्यान रखना चाहिए, खुद पे वर्क करना चाहिए, खुद को अपग्रेड करना चाहिए और उसके बाद फिर अपने फैमिली वालों को, अपने दोस्तों को और सभी को सहायता करनी चाहिए। मैं एक बहुत काइंड हार्टेड औरत हूँ और मैं बहुत ज़्यादा ही विश्वास करती हूँ कि जो हेल्प चाहिए किसी को तो उसको ज़रूर करना चाहिए। उसी से खुशी मिलती है और उसी से शायद इसी को इंसानियत भी कहते हैं। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद और आप सब भी अपने बारे में खुलकर बात करें और अपनी क्वालिटीज़ को प्लीज़ बढ़ाते रहिए। इसी का नाम ज़िंदगी है। धन्यवाद। नमस्कार, मैं जीसी आजिश चावला, जीसीआई नागपुर रॉयल प्रेसिडेंट। आज मैं इस पंख के साथ जुड़ी हूँ और इस पंख के साथ इसलिए जुड़ना क्योंकि खुद को अपनी पहचान बताना, मैं ही रहूँ, बस इतनी सी उड़ान चाहिए, खुद को खुद में निहार सकूँ, बस इतनी सी पहचान चाहिए। इसलिए मैं इस पंख के पहचान में आज इस संस्था के साथ जुड़ी और इस संस्था के साथ टाइप हमारा रोकड़े ज्वेलर्स ने लिया है जो कि ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म रोकड़े ज्वेलर्स का है जहाँ पर हर लेडीज़ के लिए एक एक्टिविटी होती है जहाँ पर हर एक लेडीज़ को अपनी क्रिएटिविटी यहाँ दिखाने को मिलती है। बहुत ही खूबसूरत यहाँ का माहौल होता है लेडीज़ के साथ। तो मैं चाहती हूँ कि हर एक लेडीज़ इस एक्टिविटी में, यहाँ के माहौल में जुड़े और इस रोकड़े ज्वेलर्स को आगे बढ़ाए। थैंक यू। आज हमको बहुत खुशी मिल रही है और हम जैसे पंख ग्रुप ये हमारा है और रोकड़े ज्वेलर्स ने हमको इनवाइटेड किया है इसमें। तो पंख एक हमारा जो हमने एक टीम बनाई हुई है उसमें हम को टीम सब लोग साथ में है और हमको यहाँ पे एंजॉय करने के लिए रोकड़े ज्वेलर्स ने इनवाइट किया है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है और पंख एक हमारा ऐसा उद्देश्य है कि आगे जाके भी बहुत सी लेडीज़ हमारे साथ जुड़े और हम लोगों के साथ में रहे और हम लोग बहुत कुछ करें। इस उद्देश्य से ये पंख हमने टीम बनाई है। पहचान हमारी टीम है और हमारी टीम को रोकड़े ज्वेलर्स ने यहाँ आज सेल्फ लव के ऊपर कार्यक्रम करने के लिए इनवाइट किया है। इस कार्यक्रम में हमको बहुत ही मज़ा आ रहा है। रोकड़े का पूरा पूरा सपोर्ट है, उनकी टीम का भी पूरा पूरा सपोर्ट है और हमारी जो टीम है पंख वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है, लेडीज़ को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए काम कर रही है, साथ ही साथ उनको अपने घर की दुनिया से बाहर निकाल कर अपने लिए जीना सिखाने के लिए भी काम कर रही है। और रोकड़े के साथ इस कार्यक्रम में हमें बहुत मज़ा आ रहा है, हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू। वहीं कार्यक्रम में पंख एक पहचान महिला ग्रुप की डायरेक्टर प्रतीक्षा चौरसिया ने भी इस अवसर पर महिलाओं को प्यार का संदेश देकर प्रोत्साहित किया। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अक्षय अंसारी, बीसीएन न्यूज़ नागपुर।